अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुनीर अहमद यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिसेंट 31 के हवाले से। आज हम स्पेसिफिकली आपको प्रिसेंट 31 के बारे में बताएंगे, इनके प्लस पॉइंट, इनके नेगेटिव पॉइंट्स, ओवरऑल लोकेशन और इस वक्त जो करंट सिचुएशन सबसे मेन चीज़ है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं कि बहरिया टाउन कराची में 31 प्रिसेंट किस लोकेशन में आ रहा है, वहाँ पर किस साइज़ के विलाज हैं, प्लॉट्स हैं, सराउंडिंग क्या है और उसके में इस वक्त अट्रैक्शंस क्या है। करंट अपडेट इस वक्त मेजर टॉपिक है हमारा कि इस वक्त करंट सिचुएशन वहाँ पे क्या है, किस हद तक वहाँ पे चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, किस हद तक वहाँ पे चीज़ों को इम्प्रूव किया जा चुका है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहाँ पे कैटेगरीज कौन कौन से हैं। यहाँ पे 125 के कुछ लिमिटेड प्लॉट्स हैं जो कि रेडी फॉर पोजेशन है, जहाँ पे आप फ़ौरन कब्ज़ा ले सकते हैं, फ़ौरन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहायत ही आप कह सकते हैं कि गोल्डन लोकेशन है। इसके सराउंडिंग आप कह सकते हैं सारे एग्जेक्टिव प्लॉट्स विलाज हैं, दरमियान में एक छोटी सी ब्रैकेट है जहाँ पे 125 के प्लॉट हैं और ये ऑन ग्राउंड है। हाइट के ऊपर होने की वजह से इनका व्यू भी अच्छा है। यहाँ पे अगर आप घर बनाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे एक आप कह सकते हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लिमिटेड ऑप्शंस है, प्राइस वाइज भी रिजनेबल है, पोजेशन वहाँ पे अनाउंस हो चुकी है, फ़ौरन कब्ज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फ़ौरन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। साइडों पे घर होने की वजह से आप इसमें जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि सराउंडिंग जो स्पोर्ट्स सिटी विलाज हैं वहाँ पे भी फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं। और 31 के विलाज के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ फैमिली शिफ्ट हो रही है। अगर हम स्पेसिफिकली अब विलाज के बारे में बात करें, यहाँ पर 235 यार्ड के विलाज हैं जो कि आप कह सकते हैं कि 90% विलाज जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। लाइक उनको बहरिया ने हैंड ओवर करने की पोजीशन में कर दिया। उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने पोजेशन भी ले लिया है, जहाँ पे लोगों ने शिफ्टिंग भी कर ली है। यहाँ पे अराउंड 50 फैमिलीज़ जो हैं वो शिफ्ट भी हो चुकी हैं, जिन लोगों ने पोजेशन हैंड ओवर कर लिया है, जिन लोगों ने यहाँ पे पोजेशन ले लिया है शिफ्टिंग के लिए, यहाँ पे बहरिया से कीज़ कलेक्ट कर ली हैं। अराउंड 50 फैमिलीज़ यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि मूव हो चुकी हैं या इस कंडीशन में है या बहुत जल्दी मूव हो जाएंगी। विलाज के बारे में बात करें तो ये नहायत ही आला किस्म की मतलब लोकेशन पे आ रहे हैं और कशादा विलाज है। इसमें 35 यार्ड एक्स्ट्रा लोकेशन है। अगर हम कायद विला से कंपेयर करें तो इसमें बैक साइड पे आपका जो वॉशिंग एरिया या सिटिंग एरिया, या आप उसको कह सकते हैं कि आप उसको किसी भी लॉन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं या कवर्ड एरिया के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा दिया गया है, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो साइड वाली आपकी जो गली है उसको भी खुला किया गया, इसका टेरेस मतलब नॉर्मल विला से खुला है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब आपको एक एक्स्ट्रा प्रोविजंस दी गई हैं बहरिया की तरफ से, जिसमें ये कि आप इसको अच्छे से जो है अवेल कर सकते हैं। और बहरिया टाउन कराची में ये वाहिद प्रिसेंट है जहाँ पे इमाम बारगाह भी बनाया गया है, जो मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि इस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये एरिया बहुत जल्दी पॉपुलेटेड हो जाएगा। सराउंडिंग बहरिया जो है वो आपका स्टेडियम जो है रफी क्रिकेट स्टेडियम, उसकी होने की वजह से ये एरिया हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगा। और इसमें जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो एनालिसिस है, वो ये बताते हैं कि कल को यहाँ पर रेंटल इनकम दूसरी प्रॉपर्टी से कई गुना ज़्यादा होगी। उसके रीज़न ये कि जब यहाँ पर स्टेडियम ऑपरेशनल हो जाएगा, इंटरनेशनल मैचेज़ होंगे, तो ये एरिया मतलब आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटी पे होने की वजह से हमेशा इसकी प्राइस भी हायर रहेगी और रेंटल वैल्यू भी इसकी हायर रहेगी। क्योंकि आप अगर कंपैरेटिवली देखते हैं जो कराची सिटी में स्टेडियम है, उसके सराउंडिंग जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जिसमें KDA या XYZ दूसरी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर प्राइसेस बहुत हाई हैं नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ के अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं। तो इस हवाले से यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन यही है कि स्टेडियम ऑपरेशनल होने के बाद यहाँ पर रेट्स हाई होंगे। इस वक्त यहाँ पे अगर हम बात करें तो 90 लाख से लेके आपको 1 करोड़ तक की रेंज में विला मिल जाता है, डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन सिचुएशन, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी अगर आप यहाँ पे किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करें और आपके रिक्वायरमेंट जो हैं आपके मुताबिक जो भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपर तरीके से फुलफिल करने की फुल ट्राई करें। बाकी मज़ीद इंफॉर्मेशन, हेल्प या गाइडलाइन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। शुक्रिया।